गुड आफ्टरनून, दोपहर का 4 बज रहे हैं, वैसे तो गुड इवनिंग है क्योंकि मम्मी ने चाय पी ली है और हम लोग जा रहे हैं वॉक पे। मम्मी को ना वॉक पे चलते चलते ऐसा बोलते कि हाँ मेरा साथ चढ़ गया, तो मैं बोलती हूँ मम्मी चाय मत पिया करो, चाय भी पी और चाय भी के सांस फूलती है, दोनों में सेम बात है। आज वैसे वॉक तो काफ़ी हो गई है लेकिन फिर भी थोड़ी सी करने जा रही हूँ मैं, मम्मी की तो बिल्कुल भी नहीं हुई है ना आज, मेरी काफ़ी हो गई है, मेरी आई थिंक 5.4 हो चुकी है। आज खुशी की बात है, हमारे घर में खाना नहीं बनेगा क्योंकि इनको एक इनविटेशन है और मम्मी को आज खाने में आलू खाने हैं, जीरे वाले बस, तो ऐसे प्रॉपर वाला खाना नहीं बनेगा आज। मोर वहाँ खड़ा, यहाँ लिखा है नो पार्किंग और यहाँ पे नो पार्किंग है। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और ये जो टॉप मैंने पहना है ना आज, ये मैंने बैंगलोर जाने गए थे ना, जब हम आधे रास्ते वापस आ गए थे तो मैंने ड्रेसेस लेके रखी थी कि बैंगलोर में ऐसे ऐसे कपड़े पहनूंगी, तब पहना था मैंने, लेकिन आज मैंने इसको पहना है फर्स्ट टाइम। और उस टाइम पे मैंने नया फैशन था इसका, तब लिया था ओनली का, मतलब न्यू आया था तो बैंगलोर जाने के लिए मैंने शॉपिंग करी थी ना कि ये पहनूंगी, तो फिर आज इसको मैंने पहना निकाला, ऐसे शॉर्ट आई है बिल्कुल। अब कैसा लग रहा है मेरा? ठीक है, मेरे पैरों की बनाई जा रहे मम्मी, अब ऐसे पकड़ो मम्मी, ऐसे ऐसे पकड़ के आप खड़े हो जाओ ताकि मैं सब लोगों को अपना टॉप दिखा दूँ। खड़े हो जाओ, चलो ना, हाँ थोड़ा ऊपर करो, क्या दिख रहा है? अरे तो कुछ नहीं दिख रहा, मैं आई नहीं अभी, देखिए कैसे, अब क्या दिख रहा है? हाँ हाँ अब दिख रहा है, दिख रहा है। अब क्या क्या दिख रहा है? बाल, टॉप, मुंह, टॉप कैसा लग घूम रही है? टॉप कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, देख लाइक कर फिर बढ़िया। हाँ एक्चुअली क्या होता है, जब आप अपनी मदर इन लॉ के पास कैमरा पकड़ाते हो तो ऐसे ही कुछ होता है, मम्मी कह रही मेरे को पता नहीं चलता। एक बार पहले हम पता नहीं 35 सेक्टर गए थे, तो मैंने ना मम्मी को कैमरा दिया, मैं कैमरा पकड़ना, मैं जरा ऐसे मुझे वीडियो बनानी थी, तो मम्मी ने पता नहीं क्या शूट कर दिया, मैं घर आ गई, देखो मैं यार मैं तो इसमें आई नहीं, और मैं सोचूं ऐसा होता है ना कि कभी कभी, पर कोई नहीं, हम मम्मी को सिखा देंगे। आज ऐसे थोड़ा सा शूट किया ना मम्मी ने, आज फिर मम्मी ने जैकेट पहनी है, नहीं तो क्या होता है ना कि जैकेट पहनने का मतलब जैसे मेरा ये फ़ोन है, कैमरा है, चाबी है या पैसे हैं, कुछ भी सामान है तो वो डाल लेते हैं, या मम्मी की कोई दवाई खाने वाली है, अगर हमको हॉल फॉर में कुछ खाना है तो खाने से पहले शुगर की दवाई मम्मी लेके इतने, अब साथ में शुगर की दवाई जेब में डाल के, तो नहीं ऐसे हम कुछ ना कुछ ले आते हैं, तो इस तरह से आज फिर जैकेट पहन ली। और भैया हम तो आज पूरे गर्मियां हमने डिक्लेयर कर दिए कि गर्मियां आ गई हैं, अब बहुत इस ग्राउंड में चलते हैं मम्मी, पर चलो, पर ये वो ग्राउंड नहीं है आई थिंक टहलने वाला, ये पीछे जिम, ये जिम है, मम्मी जिम ज्वाइन कर लूं? क्यों गाइज मुझे बताना कि मेरा वेट अभी सही है, 56 आ गया है पूरा, मतलब अभी जैसे चेक करते 56 आता है, ऐसे 55 मॉर्निंग में हो ही क्या होगा, तो मेरा वैसे जब मैंने स्टार्ट किया था 70 से तो मेरा 55 तक का ऐसे वो था, अभी अब मेरे को ऐसा लगता है कि 50 केजी कर लूँ अब मैं अपना, तब तो मैं बिल्कुल देखूंगी नहीं मम्मी जैसे, इधर इसलिए बोल रहा हूँ आपको बैठना होगा, नहीं थोड़ा थोड़ा बैठ, हाँ भैया हम लोग वॉक कर सकते हैं इधर, हम आते नहीं इधर वाले ग्राउंड में, हम लोग इधर ग्राउंड में आते नहीं, हमको लगा है शायद खेलने के लिए बस ये, अच्छा सामने है स्विमिंग पूल, तो उसमें हमने कभी स्विमिंग की ही नहीं, क्योंकि स्विमिंग आती ही नहीं है, दीपू को आती है, ऐसे एक्टिविटीज आनी चाहिए, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया, डांस हो गया, कराटे हो गया, है ना, शाम को जिस दूसरे वाले ग्राउंड में जाते हैं ना वहाँ पे कराटे क्या बोलते हैं उसको, वो ट्रेनिंग होती है वहाँ पे, तो ऐसे मेरा मन हो रहा था मैं सीखूं, वही बोलती मेरे को फिट है तूने मम्मी वो सीख लूँ कराटे, कभी ज़रूरत पड़ जाए जिंदगी में फिर ट्राई किस पे करूँ, अरे सीखने के बाद किस पे ट्राई करूँ फिर,
मम्मी और आप चले सीखने? मेरे से कर लेंगे। हां मम्मी मैं और आप चले सीखने? कितने हैं कितने? तू सीख ले कराटे? नहीं मैं नहीं। गाइस अभी हम कैमरा रखते हैं अंदर, बहुत बातें हो गई आपसे, अभी हम सीरियसली कर ले वॉक। और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, क्योंकि इसके बाद मुझे लेने जाना है फल। हम ना बचपन में लकड़ियाँ लेके आते थे, मम्मी पता क्या करना, हमने सब ने चल जाना लड़के लड़कियाँ इकट्ठे होके, दीपू चल पड़ता हमारे साथ, ऐसे लकड़ियाँ ना सारी इकट्ठी करनी, फिर चूल्हा जलाना ना, तो मम्मी ऑफिस से आते तब तक हम लकड़ी उकड़ी ले आते थे घर के लिए। तो हमने ना लोहड़ी होनी तो लकड़ी लोहड़ी की तैयारी होती है, अम्बे नहीं आए अम्बे तेरे साथ तबरा, तो हमने ये गानों की प्रैक्टिस करनी कि हमने ऐसे ऐसे, और मम्मी मैं हेड होती थी सब जाते थे, तो मैं सुबह उठ के सात को मांग के आना ना लोहड़ी, तो सुबह उठ के पैसे डिवाइड कर देते, सबको पैसे डिवाइड करती थी, और रात को हमने जाना। और पता है ऐसे तो मैं बड़ी वो बनती थी कि मैं पता नहीं कितनी स्ट्रांग हूँ, यहाँ पे कुत्ते भोंके हमें, मैं तो पूरी गठरी अपनी छोड़ के भाग जाती थी। हाय बचपन के दिन कभी वापस नहीं आएंगे, और अभी अभी वो वाला टाइम नहीं रहा है, अभी वो टाइम निकल, अभी कोई इक्का दुक्का ही मुझे लगता जाता होगा ऐसे, पर उतना नहीं रहा। हाँ। मम्मी चेक करना एक बार कैसे है, ज्यादा दवाइयां नहीं, वो खराब हो जाएगा, हो गया दब गया, हमें खराब हो गया, खराब हो गया, अब दे दो हमको, हमने दवा दिया, अंदर से अच्छा निकलेगा ना, बड़े मीठा है। अरे किन्नू कैसे है? किन्नू 60 रुपए किलो है, ये 140 से नहीं है, अपनी सही से लगा लो। मुझे देना है ना, सेब 250 रुपए बिकता था ये, नहीं यहाँ पे हमारे यहाँ जो यहाँ पे आते हैं वो महंगा ही होता ना, ये इसका आपका 270 कर दे, ठीक। और वो भी है, वो देखो पिछली फोटो इसकी मैंने गाइस मेरा हाथ टूटने को आ रहा है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं, कल हमने फल लेके ना डिक्की में रख दिए थे, आज हम लेके आ गए, अच्छे मिल गए रेट, पपीता वगैरह। मेरी वॉक हो गई 7.5 किलोमीटर मम्मी, हाँ मेरी तो हो गई। क्या क्या आ रहा है? मम्मी बना रही है मेरी इंस्टा रील, क्या आ रहा है मम्मी? बाल और मुंह और बस। आ तो फिर पिंक छूटने का भी एक अपना ही नज़ारा है, मैं कर रही हूँ प्रीति को कॉल करके सिद्धार्थ को दिखाऊँ क्योंकि पिंक छूट रहे हैं, वो कितना खुश होगा, वो नई नई एक्टिविटीज़ के लिए बहुत खुश होता है। और मम्मी रेस्ट कर रही है तो मैं तब तक ऐसे पिंक छूट लूँ, मैंने प्रीति को वीडियो कॉल किया, वो ब्लॉग एडिट कर रही है, प्रीति सिद्धार्थ दिखा दे प्लीज़, और बाहर मम्मी के साथ मस्ती कर रहा होगा क्योंकि आज है संडे और संडे होता है उसका फन डे, उसके तो वैसे सारे फन डे होते हैं, बट हाइट हो क्या गया, कितना अच्छा लगता है ना यार, कभी भी आप किसी भी उम्र के हो जाओ, ठीक है मैच्योरिटी होनी चाहिए अपनी लाइफ को जीने की, लेकिन जो आपके अंदर का बच्चा होता है ना, जो आपका बचपन होता है, जो आपकी चीज़ें होती हैं, वो कभी नहीं भूलनी चाहिए, उसको हमेशा याद रखना चाहिए और जीना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए लोग क्या कहेंगे इस उम्र में, ये कर दिया वो कर दिया, लोग कहेंगे ही कहेंगे, आप कभी भी किसी भी वक्त पे कुछ भी कहें कुछ भी करें, आपको कैसे है ना क्या करना है वही करना है, बस मस्ती इंजॉय ज़िंदगी को जियो, खुश रहो, अपने साथ रहने वालों को खुश रखो, लेकिन ऐसे नहीं खुश रखते रहो, मतलब अपनी ज़िंदगी भी जियो, अपनी ही चीज़ें भी करो, यू विल फील रियली रिलैक्स्ड, मतलब अपने अंदर का बचपन, अपने अंदर वाला बच्चा, उसको ख़त्म नहीं होने देना, दैट्स ये मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये जो बातें हैं ना ये बड़ी दिल से निकल रही हैं और बस आप लोगों तक जा रही हैं। एंड मम्मी पिंक झूठ लो, थक गए,
आ सिद्धार्थ की तरह करे हाय हाय है किसी की बालकनी का ऐसा नज़ारा, चाय, मोर, ये है मम्मी की चाय। मैं अपने लिए अलग बनाते हैं, मेरे लिए अलग बनाते हैं, पर मेरे को आजकल अपनी चाय का स्वाद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, बट जैसे भी चाय चाय आपने रखी, मम्मी फ्रिज में नहीं रखी बाहर, ये मुझे लगता है कि फ्रिज में आपने ही तो रखे। मम्मी देखो उधर तो हमारे यहाँ ना ऐसे कहाँ पास में आता है मोर इतने ना। गाइज आंटी आ गई है और आंटी को आने में इतनी देर हो गई कि 6:30 हो गए। मैं मम्मी को बोल रही थी 15 मिनट में वेट करूँगी तो बर्तन साफ कर लूँगी, और आज आंटी बहुत थक गई है तो फिर आज ही मैं बोल रही थी ना अभी कर देती हूँ। और आज हमारे घर में खाना नहीं बनेगा, बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि मम्मी को आज वॉलफर खाने का मन है। मम्मी को रोज़ ही वॉलफर खाने का मन होता है। अब लोग बोलेंगे हो सास कितनी शरीफ, मम्मी लोग बताएंगे थे इतनी सीधी सास है इसकी, इसलिए ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी जलेबी होती है ना जैसे मीठी होती है लेकिन ऐसे उल्टेडी होती है, ऐसी है मम्मी। मैं कैसी हूँ आंटी, मैं कैसी हूँ? सीधी और फिजिक लगती है तो बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है। मैं मुझे मैं हूँ स्पष्ट। मम्मी आप कैसे हो? नहीं गाइस ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ किए जा रही हूँ। चलो इस व्लॉग को हम एंड करने से अभी एंड नहीं करेंगे, हम हॉलफोर जाएंगे, आपको हॉलफोर का खाना भी दिखाएंगे। हॉलफोर में मम्मी को खाने हैं, मम्मी का आज बहुत मन है। मैंने स्पेशली बिनय भैया को कॉल करी हॉलफोर में, वो रिसेप्शन पे बैठे होते हैं, क्या बोलेंगे उसको रिसेप्शन अंग्रेजी, उसमें बैठे होते हैं। अभी मैंने और अभी चलो मैं पहले शुरू से बताती हूँ, 2-3 बातें बताती हूँ, भूल गई। तो हमने कॉल करी तो हाँ जी गाइस, तो मैंने हम वॉक कर रहे थे, मैंने बिनय भैया को कॉल करी कि बिनय भैया कि हमको ना आलू जीरा आलू खाना है हॉलफोर का। एक बार पहले ही मम्मी ने कहा था तो फिर मम्मी को फिर हमारी वो बात डन होगी। तो हमने सोचा आंटी 5 बजे आएंगी, 5:30-6 बजे तक बर्तन वर्तन साफ करेंगे, तो आंटी मम्मी हम तीनों गाड़ी से चले जाएंगे। ये मैडम आ रही हैं 7:45 बजे हैं, और फिर मैंने बोला मम्मी आई नहीं, मैं ही बर्तन साफ कर लेती हूँ। मम्मी के रुक जा 5 मिनट देख ले है ना, वो आएगी तो कर लेगी तू, क्यों इतनी, एक तो ऑलरेडी गाइस मैंने इतनी सारी वॉक कर ली, मेरी तो हालत बहुत ख़राब हो रही है आज, पता कितनी वॉक करी मैंने मम्मी, 8 क्या गया। हाँ तो ये उसके बाद मम्मी और मैं इधर लेटे हुए थे, मैं मम्मी को इंस्टाग्राम की अपनी रील्स दिखा रही थी, और मैंने अभी अभी एक रील पोस्ट करी है बहुत सुंदर वाली है, तो मम्मी वो सारी मेरी रील्स देख रही थी। फिर मम्मी बोले अच्छा तो इंस्टाग्राम पे भी काम कर। तो फिर ऐसे ऐसे हम लेटे हुए थे, फिर घंटी ऐसे टक 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 हुई, मैं समझ गई कि आंटी आ गई। आंटी आ गई तो चेहरे पर खुशी आ गई कि बर्तन ही साफ करने पड़ेंगे मेरे को। अभी करो जल्दी, अगर हॉल फोर में पनीर भुजिया और रोटी खानी है तो लेट्स गो, बहुत चक्कर गाड़ी से चलेंगे। अब मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ क्योंकि इसमें ठंड लगी। भाई का खाना खाया हॉल फोर का सारा दिन, देखो भगवान जी ने भी क्या सोचा होगा कि चल सुबह खा ले दूध वूध पी ले, जलेबी खा लो, पोहा खा लो, दिन भर ऐसा जाएगा। इधर इधर गाड़ी इधर खड़ी हुई है। सो फाइनली इनकी खुशी के लिए, ये ना जो खुशी होती है ना लाइक इन दोनों को, चाहे मेरी मम्मी हो चाहे आंटी है, ये वाली मम्मी है, मुझे ऐसा लगता है हमें एक इंसानियत होनी चाहिए। गाड़ी लेके आती हूँ, वो दोनों पीछे आ रही हैं, तो मेरी मदर लो भी आज खड़ी ना, हमने यहाँ खड़ी किया, मेरे लोग को भी अच्छा लगता है उनके साथ। रुको आवाज़ ना कर गाड़ी, सीट बेल्ट लगा रही हूँ मैं। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और आज हम बनाएंगे कड़ी, 3 पैकेट छाछ के लेके आए हैं मम्मी। चाय बना रही, आप ले आओ छाछ के पैकेट 3 और 2 बन लेके आए हैं क्योंकि इनको चाय के साथ बन खाना है। तो मैं कर रही हूँ कड़ी की तैयारी और एक सर बनाऊँगी चाय और अपना व्लॉग कर दिया है स्टार्ट। मौसम कुछ है इस तरह से, बहुत ही सुहावना सा। 11:30-11 बजे हम खाएँगे पपाया। हाँ 9 बजे चाय पी के 10:30-11 हम पपाया खा सकते हैं। है इनके कपड़े प्रेस हो के, इनको मुझे लगाना है, रात को आ गए थे, छाछी है ना आज। गिन रही हूँ कपड़े 2-3। ये बार होता है ना कि
गीले गीले होते हैं, प्रेस पे वो छींटे मार के प्रेस करते हैं ना, तो मैं देख रही हूँ सब सूखे हुए हैं। चलो सब हो गया। बन गई और मैं टेस्ट करके देख रही हूँ, बहुत अच्छी बनी है। 3 पैकेट की बना डाली हमने कढ़ी, तो आलू वाली कढ़ी कौन कौन पसंद करता है मुझे कमेंट करके बताना। चावल हमने भिगो के रख दिया है, तो चावल बनेगा इसके साथ, और उबला हुआ चावल बनाएंगे हम। मम्मी आपके लिए रोटी बना रहे हैं, ठीक है, कढ़ी के साथ। हम लोगों ने डाला है खलारा, क्योंकि हमको अपने गर्मियों और सर्दियों के कपड़े अलग अलग छांटने हैं। ऊपर मैंने अपने रख दिए इंडियन क्लोथ्स अच्छे से तरह, और नीचे हमने इस तरह से अपने गर्मियों के कपड़े निकाल लिए हैं, क्योंकि अभी सर्दियां जा रही हैं। देखो ये इसके साथ मैच हो गया मेरा, अभी निकालना तो उसमें से ये मिला, अब सर्दियां चलेगी। बट अच्छा है, इसमें ऐसे ना टोटे टोटे पड़े हुए हैं, ऐसे क्या बोलते हैं इसको, शेद शेद हुए हैं, तो अभी के पर्पज़ के लिए सही है। और कड़ी इतनी टेस्टी बनी है ना, आपको बता नहीं सकती हूँ। तो अभी मुझे होना है तैयार, और मैं आज आपको पहन के बताऊँगी साड़ी। देखो ब्लाउज साड़ी का, और हम जा रहे हैं मंदिर। ये तेरे रंग में आ रही है। क्यों? तो और क्या? आज कढ़ी बनाई मैंने 3 पैकेट से कढ़ी। मम्मी को लग रहा था कि नहीं टेस्टी होगी, मैंने देखी नहीं, मेरे को टेस्टी लगे ऐसे। इसी के साथ ये था मेरा आज का व्लॉग। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, किसी की भी जिंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर मत करो, और घूमते रहो। क्या कह रही है? क्या मम्मी कहती? मम्मी कहती है 1 मिनट से क्या ये गाइस, मुझे मेरी मम्मी ने बोला है। मम्मी क्या बोलते हो? अच्छा नहीं करते क्या इसकी जिंदगी में इंटरफेयर? हाँ आपने मुझे सिखाया ना, कब सिखाया? आज सुबह हमारी बहुत गहरी गहरी डिस्कशंस हुई, और मम्मी ने मुझे बोला है अपनी जिंदगी में मस्त रहो, कोई बोलता है तो बोलने दो, किसी की जिंदगी में तो हाँ दिल पे मत लगाओ, फिर क्या लगाओ, टेंशन ना लो, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, तो क्या करें, मस्त रहो, खाते पीते रहो, चाय पीते रहो, वॉक करते रहो, करते रहो, करवाते रहो। ये डायलॉग ठीक है। ये देखो मम्मी कितना बोलती है ना, इसको मैं बुला भी नहीं रहा फिर भी बोलते हैं। दूध पीते रहो, पिलाते रहो, अब नहीं बोलेगी, अब नहीं बोलेगी, करते रहो, पिलाते रहो। और यही चाय दे रहे हैं हम आंटी को, और बाहर हाउस हेल्पर है उनको। बाय बाय, लाइक जरूर करना इस वीडियो को, खुश रहो, बाय बाय।